नो हम लोग पहुंच गए हैं हजरत सैयद शाह शमसुद्दीन मियां रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे। तामीर चल रहा है यहाँ पे हजरत, अच्छा खूबसूरत गुंबद बनाया हुआ है यहाँ पे। ये मस्जिद है हुजूर करीब नवाज के गुंबद जैसे, माशाल्लाह ये लगभग 175 साल पुरानी डोली है जिसमें सालान को तब 20 किलोमीटर है, तो आदमी डूब जाता है। खादिम मोहम्मद चिश्ती, आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप लोग को लेके जाते हैं वहाँ लंगर का एहतमाम तो माशाल्लाह होना ही। बस हम लोग ज्यारत पे हजरत को पता चला कि यहाँ पे हम लोग अजमेर दरगाह शरीफ से आए, तो उन्होंने बोला कि बिना चाय पिला दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं हूं आपका दोस्त और भाई अजमेर दरगाह शरीफ खादिम मोहम्मद चिश्ती। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को तिलहर में जितनी भी दरगाह हैं मैं आपको वहाँ सब दरगाहों पर लेके चलूँगा। जैसे आप लोग को पता है मैंने पहले फरीदपुर कवर किया था यूपी के अंदर, फिर उसके बाद मैंने बरेली कवर किया था, तो ये तीसरी सिटी मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ पे तिलहर नाम की सिटी है जो शाहजहाँपुर से 10 से 15 किलोमीटर दूर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे पता चला यहाँ पे काफ़ी दरगाहें, तो मैंने बोला इंशाल्लाह मैं आप लोगों तक यहाँ पे जितनी भी दरगाहें मैं आप लोग तक सब तक पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। तो आप इंशाल्लाह इस ब्लॉग में बने रहे। मेरे भाई दानिश मामू, फैज़, कशफ और काशान, इंशाल्लाह हम लोग आप लोग को लेके चलेंगे दरगाह ज़्यारतों पर यहाँ पे तिलहर में। तो बने रहे इस ब्लॉग के अंदर और इस ब्लॉग को आप स्किप ना करें, पूरा आखिरी तक देखें। तो आइए लेके चलता हूं मैं आप लोग को। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, तिलहर में आज मैं आप लोग को लेके चल रहा हूं सैयद शाह शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे। तो ये तिलहर के अंदर है और अभी हम लोग निकल चुके हैं, तो बाय रोड हम लोग अभी बाई बाइक में आप लोग को आज दरगाह ज़ियारत पे लेके चलूँगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग पहुंच गए हैं हजरत सैयद शाह शमसुद्दीन मियां रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे, और इन्हें यहाँ पे कुतुब तिलहर के लकब भी मिला हुआ है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हमारे दानिश भाई हमें आप पूरी ज़ियारत पे अभी अंदर लेके चलेंगे और डिटेल हिस्ट्री बताएंगे इंशाल्लाह। तो आइए चलते अंदर, आ जाइए। पहले तो ज़ियारत कर लेते हैं, फूल पेश कर लेते हैं दरबार में। पहले तो आप लोग को बाहर से ज़ियारत करा देते। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हजरत सैयद शमसुद्दीन मियां रहमतुल्लाह अलैह के औलाद है उनकी, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह हुजूर गरीब नवाज के गुंबद की तरह यहाँ पे उनका गुंबद बना है। तामीर चल रहा है यहाँ पे हजरत शमसुद्दीन मियां रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अंदर। ऊपर आप देख सकते हैं पूरा
आपका ये बाहर की और ज्यारत पे आपको लोग लेके चलते हैं। आइए अच्छा, वो वाली जो मजार है वो हजरत शमसुद्दीन मियां रहमतुल्लाह अलैह की, और ये वाली उनके वालिद साहब की मजार उनके साथ में है, जिसे यहाँ के जो खादिम है उन्होंने बताया। आइए यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खूबसूरत गुम्बद बनाया हुआ, माशाल्लाह नया कंस्ट्रक्शन लग रहा है यहाँ पे, अभी नए नई तामीर हो रही है। और ये यहाँ पे ये मस्जिद है क्या लिखा, हजरत सैयद उर्स शाह शमसुद्दीन मियां रहमतुल्लाह अलैह। मैं आने वाले तमाम ज़ायरीनों का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। तो ये मैसेज जो है यहाँ के जो सज्जादा नशीन है उनकी तरफ से है मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए। ये यहाँ की मस्जिद है और हज़रत सैयद शाह शमसुद्दीन मियां रहमतुल्लाह अलैह जिनकी अभी दरगाह पे हम आप लोग को लेके गए, वो उनके छोटे भाई की यहाँ पे मज़ार आप लोग देख सकते हैं। दरगाह छोटी सी बनाई हुई हुज़ूर करीब नवाज़ के गुंबद जैसा, माशाल्लाह छोटा सा गुंबद बनाया है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये हमारे कश्यप भाई हमारे साथ आज पूरी दरगाह ज़्यारतों पे जाएंगे, और ब्लॉग जो बना रहे हमारे फैज भाई वो भी बना चलेंगे साथ में। भाई आप लोग को यहाँ की मस्जिद दिखा देता हूँ, जैसे आप लोग को पता मेरे सारे भाई और बहनों में कोई भी दरगाह पे जाता हूँ तो मैं आप लोग को वहाँ की मस्जिद भी मैं हमेशा आप लोग को दिखाता हूँ, तो मैं इस मस्जिद की मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो आप थोड़ा सा तफसील से बता दीजिए उनके बारे में, उनकी करामात बता दीजिए, कि आप लोग तो यहाँ पे माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, आप लोगों ने तो काफ़ी कुछ यहाँ पे देखा होगा अपनी आंखों के सामने। सवाल ये है, एक करामात है तो बताई जाए, थोड़ी बहुत बता दीजिए। आपके वाली साहब यहाँ है जो बराबर में हमारा शरीफ है, उनके वाली साहब हजरत अमरुद्दीन नामिया अमरुद्दीन उनके भाई साहब। पहली करामात तो उनकी यह है कि रामपुर नवाज के कोई औलाद नहीं हुआ करते। अच्छा हाँ, उनकी चार बीवी तो उनको तो तुम बता दिया कि यहाँ पर से एक मियाँ साहब जाते हैं, वो उनसे आप मिल लीजिए, दुआ कर लीजिए, करा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तुमने अपने जो भी पुलिस के लोग हों या फौज के हों लगा दिए, जब वो तरफ से आए तो उनको रोका गया, रोकने के बाद में वहाँ प्लेन ले जाया गया, प्लेन ले जाने के बाद में उनसे कहा गया, तो बीवियों बुलाया गया, बीवियों को सामने से निकाला गया। तो आपने छोटी वाली जो बीवी थी उसको पकड़ कर तो उनको दो रुपये ऐसा हो गया, हाथ रख लेते हाथ रख दिया दुआ कर लिया। फिर वो यहाँ पर आए, यहाँ पर काफ़ी लोग उनके मरीज हुए, लेकिन उन्होंने खिलाफत एक ही पता करी जो यहाँ से थोड़ी दूर पर है, उनका नाम बिंदु शामी तो ये था सब, तो उनको उन्होंने खलीफा बनाया, उन्होंने एक ही खलीफा एक ही खलीफा बाकी कोई खलीफा नहीं बनाया। मेरे का रोटी चाहने वाला इनका वो आया, यहाँ आने के बाद में उसने ये ख्वाहिश करी थी कि तो जाके वहाँ से मिठाई खाएंगे, मैं कहीं तो मिठाई मिला दे, वहाँ से लाया यहाँ बैठा आके कुछ भी नहीं करता था, पता फलाना है कि हाँ ऐसे जाओ मत काफी करे जाओ रोटी रख के उठा ले, वहाँ ताक मिले वहाँ मिठाई रखते मिले, चलो तुम्हारी पार्टी खाओ आया करो सादा
दूसरी बात मिठाई उनको मिल गई। दूसरी बात ये करामात थी कि वो घर पर गया तो फिर वहाँ से वो मियाँ के पास फिर बाप पास आया गई। जाने के बाद में तो वक्त उठा गर्रा पड़ती है अब भी है तिलहर के पास में शाहजहाँपुर के पास में शाहजहाँपुर के पास शुरू जब हुई तो वो तलातुम पर थी गिर्रा नाम का वो तलातुम पर थी जी जी जी। और पुल ही बना हुआ नहीं था जी नाव पड़ी तो नाव जी वक्त पर नाव भी नहीं थी तो उन्होंने जो मरीजन साथ में थे उनके आंसू नहीं थे और हमारे साथ साथ चले आ पीछे 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 उसी उतर चले अब वहाँ पहुँचे वहाँ उन्होंने याद दुआ करी उनका बेटा था अब वहाँ से फिर जब चले तो फिर इसी तरीके चले आप लोगों ने देखा तो उनके काफ़ी मुड़ी चैनल को गए हुए अब जब उनका आउट होता है तो पूरा चैनल पूरी होता है पूरा शाहजहाँ पूरा शाहजहाँ पूरा आता है पूरा चैनल पूरा आता है जी। अच्छा यहाँ पे उर्स कब कब मनाए कब मनाया जाता है ये है रजब में अच्छा 11, 12, 13 अच्छा 12 रजब की 13 रजब को दो महीने हैं तो ये है और भी इनकी करामाते बहुत सी हैं जी खुली हुई है पालकी पालकी में जाते हैं यहाँ पर थोड़े हटके ये मोला लगा हुआ है ऊपर हटके ऊपर सफाई करें इनके यहाँ कोई फंक्शन गुलगुलिया में गुलगुले कर रहे थे गुलगुले हाँ यहाँ पे मीठा जो बनाता है शादी में बनाते हैं जी 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 मैंने देखा था अभी मैं शादी में आया हुआ था इधर यूपी साइड तो मैंने वो देखा गुलगुले यहाँ पे बनते हैं घरों के अंदर शादी जब बनती है वहाँ से उसका पूरा मीठा दादा में सरकार कर दो बेड़ा पार अल्लाह दुआ फरमा दो सरकार चाहने वाले आए हुए हैं हर मुसीबत परेशानी से महफूज रहें कारोबार में बरकत शीशा लग रहा है जी पर लग गया लगना पूरे में अच्छा वो सब अंदर पूरा अंदर जैसे मैंने आप लोग को बताया अंदर तामीर का काम चल रहा है तो हजरत ने माशाल्लाह काफ़ी करामाते बताई हजरत शमसुद्दीन मियाँ रहमतुल्लाह अलैह जी कि वो आया बात हुआ कि मियाँ से हाँ कि हमारा कोई पलाव क्या कोई उठा के ले गया हाँ पलाव उठा ले गया जी जी दादा में सरकार कर दो बेड़ा पार इनकी हर मुसीबत परेशानी दूर हो जाए अल्लाह दुआ फरमा दो सरकार इनके अच्छा क्या है ठीक है बैठे बैठे बैठने के बाद में उन्हीं के उन्होंने कुछ पढ़ा पढ़ाया होगा सामने बैठाड़ा उसके पीछे पला तेल लगा लो वो तेल चिरा गया हाँ पीछे पला आ गया आपने मंगाया वो कोई दूसरे लोग उठा ले गए कोई उठा के नहीं गया जो दिन का काम करी मुझे जी जी अच्छा जिन्नात लेके चले गए थे चले गए तो उसको फले को वो साफ जो थे तुरंत ही उनके वो वापस लाकर दिलवा दिया एक साल ये थे माशाल्लाह काफ़ी बुजुर्ग शख्सियत है माशाल्लाह 200 साल कितने साल हो गए हजरत शमसुद्दीन मियाँ पौने 200 साल अच्छा 200 साल अच्छा कुत्ता नहीं आया जी जी तो मेरे प्यारे भाई और बहनों ये हजरत शमसुद्दीन मियाँ रहमतुल्लाह अलैह को 200 साल 175 साल हो चुके हैं माशाल्लाह और माशाल्लाह हजरत आपका क्या नाम है हमारा नाम है कानली है
एहसान अली हज़रत जो यहाँ पे खुदा में दरगाह के अंदर इन्होंने हमें काफ़ी करामातें बताई माशाल्लाह, क्योंकि ये खुद माशाल्लाह इतने बुजुर्ग हैं और इन्होंने खुद अपने आँखों से और काफ़ी इन्होंने पहले से भी इनके बाप दादाओं से इन्होंने सुना होगा यहाँ के करामात हज़रत शमसुद्दीन मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के अंदर। अमीन 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 इंशाल्लाह। तो हज़रत एहसान मियाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह आप अजमेर दरगाह शरीफ आए तो कभी अपना अच्छा 8 दिन है क्या? अपनी होटल है और गेस्ट हाउस 2 है अपनी दरगाह के पास में ही, एक नंबर गेट है ना बुलंद दरवाजा, उसके सामने ही अपनी 2 होटलें हैं वहाँ पर। तो आप कभी भी आए इंशाल्लाह नंबर दे जाएंगे आपको, कार्ड तो सब बढ़ गए जो इसने भी लाया था। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो डोली का आप दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए बंद है बब्बू देखो। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहन, हजरत शमसुद्दीन मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की जो डोली है जिसमें वो आया जाया करते थे शाहजहाँपुर से आते थे, अच्छा 6 महीने बाद चलते, 6 महीने बाद आते हम लोग आपको लेके चलते। आप जल्दी ठीक है सर, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हज़रत एहसान मियाँ ने काफ़ी हमें डिटेल से जो हमें जानना था कि यहाँ पे जो करामात हैं बाबा हज़रत शमसुद्दीन मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की, तो उन्होंने काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ बताया। अभी उनकी जो डोली है जिससे वो आते जाते थे तो वो हम लोग आपको दिखाएंगे, तो आ जाइए। तो ये लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डोली है, तो माशाल्लाह वो इसमें आते लगभग 175 साल पुरानी डोली है जिसमें हजरत शमसुद्दीन मियाँ रहमतुल्लाह अलैह आते थे और जाते थे। तो अभी इसके बारे में आप बता दीजिए हजरत, आइए। तो हजरत आपका नाम क्या है? साद हुसैन साहब है यहाँ पे खादी में हजरत शमसुद्दीन मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के। तो वो जो डोली अभी हम लोगों ने देखी 175 साल पुरानी, तो उसके बारे में आप तफसील से बता दीजिए। वहाँ से देवबंद साहब यहाँ आए थे, इधर हमारे पाँच तिलक लोग गए तो डबोरा पास में गाँव है, वहाँ गए हज करने के लिए। हज करने के लिए गए थे आप? वहाँ तिलक लोग से मुलाकात हुई वहाँ पर, तो वहाँ से यहाँ आए, बोले बल्ले तिलक आना, वहाँ पर एक जो है मस्जिद है, वहाँ बड़ी मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद है यहाँ पर, तो कुछ मोहब्बत इतनी थी उनके तो यहाँ तिलक में आ गए, तिलक से मोहब्बत थी तो वो यही मुकाम उन्होंने कर लिया, यही रह लिया हमें, जो आने जाने जब भी 6 महीने बाहर रहते थे 6 महीने यहाँ घर में रहते, तुमने पालकी सदस्य। तो ये जो डोली है उसी आने जाने रहता है, ये जो पालकी है डोली है इसमें ही बताइए उठाता कौन था? जब जो खुदाम लोग थे जो गुजारे थे वो लोग अपने लेके जाते थे, वो इससे दो लोग आगे और दो लोग पीछे होते थे, चार लोग लेके जाते थे, चार लोग अपने आने जाने से होना होता, किलोमीटर आप 60 फुट करीब हो करीब 250 पर 300 किलोमीटर करीब है, तो चल के आते थे, चल के लेके जाते थे जो करामात है, जब उनकी वजह से आपने बरेली जाए शाहजहाँपुर तब 20 किलोमीटर है, तो आदमी डूब जाते बरेली तक शाहजहाँपुर जाते हैं, और वहाँ के सहारनपुर से इतना काफ़ी दूर है 300 किलोमीटर, आपको दम लोग इतनी मोहब्बत है थी उनका, बुजुर्ग करम था पता नहीं चलता सफर इस टाइम कितना सफर। आप यहाँ पर शादी में यहाँ पे क्या नाम बताया आपने? साद हुसैन भाई। आप कहाँ से आए भाई? तिलर में। अच्छा अच्छा, सलाम मैं अजमेर दरगाह शरीफ से आया दरबार हरी नवाज। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद नदी। बहुत तो भाई हमारे मोहम्मद नदीम भाई ज़्यारत पे आए हुए यहाँ पे। जी जी जी, क्या जी हाँ जो बाकी हाँ हर जुमेरात को आते हैं, तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। काफ़ी पुरानी दरगाह है माशाल्लाह, एक लगभग 125 साल पुरानी दरगाह। बिल्कुल, तो मैं आया हूँ यहाँ पर, पूरी जितनी भी दरगाह हैं इंशाल्लाह तिलहर के अंदर मेरे चैनल के ऊपर मैं इंशाल्लाह वो सब वीडियोज़ डालते रहता हूँ, मैं दरगाहों की दरगाह ज़्यारतों की मैं करवाता हूँ, तो इंशाल्लाह और भी जो दरगाहें हैं यहाँ पे तिलहर के अंदर हम लोग आप लोग सबको लेके चलेंगे इंशाल्लाह, आपके साथ साथ हम सब चलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है भाई, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे आज मेरा ही। ठीक है सर, नहीं चाय भाई नहीं चाय नहीं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या? खादिम मोहम्मद चिश्ती। आप यूट्यूब पर अच्छा नंबर डाल दीजिए इंशाल्लाह, हम जो है मार्च में आएंगे। 9167340427 मैं नंबर भी सेव करके आपको लिख के दे देता हूँ, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अजमेर आएंगे मार्च में। मार्च में आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आइए, अपनी होटल है वहाँ पे, होटल गेस्ट हाउस, तो यही नाम से आप है ना यूट्यूब पे सर्च कर लेना,
मैं इंशाल्लाह वीडियो आने वाले हफ्ते में डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है ना दीमन? ठीक है, चलो आप लोग यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह लंगर का है, लंगर हो रहा है यहाँ पे, लंगर लंगर होता है। अच्छा, तो यहाँ पे माशाल्लाह जैसे हम सब दरगाहों पे आप लोग को लेके जाते हैं, वहाँ लंगर का अहतमाम तो माशाल्लाह होना ही है। तो यहाँ पे भी माशाल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पे लंगर का अहतमाम हो रहा है। इसमें कितने ज़ायरीन खा लेंगे? सत्तर अस्सी लोग खा लेते हैं। 70-80 लोग, तो इसमें माशाल्लाह काफ़ी 70-80 लोग यहाँ पे खा लेते हैं। इधर ही बैठना नहीं, तकलीफ मत कर। अरे तकलीफ मत, बस हम लोग ज़ियारत पे आए थे। अरे आज थोड़ा सा आप इतने दूर से थोड़ा पहली बार के बाद भाई, आप कहाँ पर आइए? तिलर में, अभी तिलर में जो यहाँ पे जो पार्षद है मेंबर कयूम, कयूम मामू जी, जी, तो उनके घर पे अभी रुके हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम दरबार में आए थे हज़रत शमसुद्दीन मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे। तो यहाँ पे हज़रत को पता चला कि यहाँ पे हम लोग अजमेर दरगाह शरीफ से आए, तो उन्होंने बोला कि बिना चाय पिला के आप यहाँ से तो भेजेंगे नहीं। तो ये हमारे हज़रत हैं, हज़रत हज़रत ज़ाहिद हुसैन साहब हैं यहाँ पे। तो माशाल्लाह ये हमें यहाँ के करामात बताइए हज़रत शमसुद्दीन मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, तो आप बता दीजिए। हज़रत शाह शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बारगाह में एक मुरीदैन खिदमत करने लिए आते थे आपके पास, और आपकी कोई औलाद नहीं थी, उस औरत की मुरीदैन कोई औलाद नहीं थी, तो उसकी इतनी हिम्मत है कि आप दुआ कर दें कि मेरी औलाद हो जाए। खैर उन्होंने बहुत कहा आपसे, तो आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करी कि जब अगली बार अगर आई तो तेरा बेटा होगा, हज़रत ने कहा। तो खैर वो फिर उसे ये भी कह दिया कि जब तेरी औलाद हो तो उसे यह खिदमत रखना, खिदमत के लिए वो ज़िला शाहजहाँपुर में रजवाए कर रहे, ज़िला शाहजहाँपुर वहाँ अक्सर वो आती है, और आपके मुरीदन काफ़ी शाहजहाँपुर में आप और बड़ी मोहब्बत करने वाले। खैर वो बड़ा हुआ, जवान हुआ, अल्लाह करना ऐसा हुआ उसका इंतकाल हो गया। अच्छा, वो उनका जो बेटा, हाँ बेटा, उसका इंतकाल। तो उसने भी कहा कि आपको जो बाबा के पास ले जाना है, वहाँ खिदमत करना है, तो तैयारी करी रहा नहीं, कुछ बुखार उखार आए, उसमें तबीयत ख़राब हुई। उसका शमशीर रहमतुल्लाह अलैह पता चला कि मेरे मुदीद जिसकी दुआ करी उसको औलाद ख़त्म हो गई। फिर आप वहाँ पहुँचे और आप जाने के आए, बेटा तूने अभी मेरी खिदमत नहीं करी, और तो चला गया कुंभ में बिजनिल्ला उठ जा अल्लाह के हुक्म से, तो बच्चा उसको जिंदा हो गया। उस करामात देखे जितने बेशुमार लोग जो थे आपके मुरीदैन हो गए, वही हो गया ये हज़रत की मैन करामात। और इसके अलावा वो जामुन वगैरह हमने भी आपको बताया था, सूख गई था, हमने पानी डाला तो हरी भरी हो गई। अभी उसके अलावा हमने आपकी उसकी करामत बताई जो मदनी हमारी, वो मदनी कोई बता दी जी। एक अंग्रेज़ आया आपके वहाँ, और आने के बाद आप वजू करवा रहे थे, मुझे देखना चाह रहा था कि मतलब कितने आप पहुँचे हुए हैं। तो आपने वजू जो फरमा रहे थे जिसकी बदनी हमारी, तो उस बदनी से बल्कि पानी नहीं अशरफियाँ निकली, वो समझ हजरत बस हम समझ गए, वो चला गई फिर वो। तो हजरत की बेशुमार करामत है, और ये करामत जो हमने बताई ये मतलब बहुत मशहूर है। हाँ मतलब चिंता कर रहा है। और जो जामुन सबसे जो करामत है जामुन वाली, ये मतलब जिंदा, मतलब जिंदा मत करा होता है जामुन का पेड़ सामने, ये जामुन का पेड़ सामने सूख गया पूरा जामुन। हाँ, तो ये जामुन का पेड़ के बारे में एक बार बता दीजिए। हजरत आप वुज़ू फरमा रहे थे और ये सूख गया था पेड़, और आपने कहा जी हरा भरा हो जाए, तो आप कहीं भी था वुज़ू करते थे, वो आज हरा भरा हो गया, और आप तकरीबन 200 साल हैं, तो आज भी वो जाम का पेड़ हरा भरा है। ये हजरत की करामात है शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, 200 साल पुरानी। हाँ तकरीबन 200 साल, 198 साल में आपको पढ़ता करो, उससे पहले की, उससे पहले की। और एक शाख खुक्कल है, और इसमें एक सबसे बड़ी करामात ये भी हजरत की है, जिनकी औलादें नहीं होती हैं, जिनकी औलादें नहीं होती, पत्ता वगैरह खाएं तो अकीदत मोहब्बत से उनकी साहिब औलाद हो जाती है, हमें ठहर जाता है। और अक्सर आके लोग न्याज वगैरह देख रहे हैं, बनवा के नीचे देख बनवा रहे उनका काम हो नहीं। हजरत के वो दिन चार का काम में किसी रुकावट कर दी,
बहुत परेशान हो। तो अपने के सरकार के बाद हाजिरी, तो बाद नमाज मगरिब आए तो अर्जी लगाई, तो किसी ने उनके घर में तो कोई काम करा तो ताबीज डाला, वो ताबीज दबा दिया, वो ताबीज बहुत ज्यादा दबा था, तो फिर वो मेरे पास लेकर आए तो उसमें लिखा काम बंद, उसमें काम बंद, काम बंद हो गया। तो ये हजरत शमशेद रहमतुल्लाह ने करामात है जो अर्जी का, जो ने मतलब वो चीज दिखा दी गई, और इस दिन वो दिन नहीं देख पाए, और सुबह ऐसे जुमरात हाजिर थी, शाम में सुबह वो चीज दिखा दी गई, फिर उसकी खुशी में उनका काम खुला, काम मिला, प्लाटिंग काम करते प्लाटिंग का। अब वो आज बिस्मिल्लाह उसकी तो क्या पहले के सरकारों से सरकारों जहन बांट डाली दिमाग में, तो उसको लिखा, फिर हम लोगों ने नीचे भी एहसान मियां हजरत है उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने भी माशाल्लाह काफी हमें बताया, काफी वाकयात बताए माशाल्लाह हजरत शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मैंने आप लोग को काफ़ी डिटेल में इस ब्लॉग के अंदर मैंने आप लोग को बताया हज़रत शमसुद्दीन मियां रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है, और ये तिलहर के अंदर है, और ये शाहजहाँपुर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे ये तिलहर नाम का ये एरिया पड़ता है, इसके अंदर मैं आज आप लोग को सब दरगाहों पर लेके जाऊँगा इंशाल्लाह, ज़्यारतें करवाऊँगा। और हमने आज हज़रत शमसुद्दीन मियां रहमतुल्लाह अलैह की आज जितने भी करामात हैं माशाल्लाह सब हमने हजरत के मुंह से सुना माशाल्लाह। और आप जब भी यहाँ पे दरगाह में आए तो इंशाल्लाह इनसे जरूर मिलिए, काफी माशाल्लाह नॉलेज रखते हैं यहाँ दरगाह के बारे में, और यहाँ के खादिम भी है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप अपना नंबर बता दीजिए कभी कोई यहाँ से आपसे रابطہ करना चाहे। 9693334 ये मेरा नंबर है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा। मैं आज आपको मैंने आपको हज़रत सैयद शाह शमसुद्दीन मियां रहमतुल्लाह अलैह की मैंने आप लोग को ज़्यारत करवाई, जिनका गुंबद माशाल्लाह हमारे पीछे। और अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा, तिलहर के अंदर शाहजहाँपुर से 15-20 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे आप लोग कभी भी आ सकते हैं, ज़्यारत पे आ सकते हैं माशाल्लाह। मैंने आप लोग को पूरा डिटेल से मैंने आप लोग को यहाँ के ब्लॉग में आप लोग को यहाँ के जो खादिम हज़रात हैं उनके तरफ से जो उन्होंने बताया करामात बताई यहाँ पर माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं आप लोग से मेरे अगले ब्लॉग में बहुत जल्द मिलूंगा, तब तक अस्सलाम वालेकुम, फी अमानिल्लाह।